sod. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. ये कहानी है हल्क की, यानी एक मॉन्स्टर की, जो कि आसमान से एक प्लेनेट आकार पे जा गिरा। एक ऐसा प्लेनेट जो और मॉन्स्टर से भरा हुआ था। उन मॉन्स्टरों ने उसे मारा और उसे जलाया और उसे खाने की कोशिश करी। तब भी हल्क अपने असली मॉन्स्टर को नहीं भूला, उन कमज़ोर इंसानों को जिसने हल्क को प्लेनेट आकार पे भेजा। डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, आयरन मैन और ब्लैक बोल्ट, उन्होंने हल्क को स्पेस में छोड़ दिया ये सोचते हुए कि वो दुनिया को बचा रहे हैं। ये सोचते हुए कि ये अब हल्क मर गया, लेकिन हल्क नहीं मरा। वो ज़ख्म के उस हरे निशान जैसा है। द वर्ल्ड ब्रेकर, द आई ऑफ एंगर, द हल्क। अब वो अपने घर वापस आ चुका है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सही कॉमिक को आप सबका स्वागत है इस वीडियो पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कॉमिक रिलीज हुई थी 5 इश्यूज़ में 2009 के टाइम में, और मैं भी इसके 5 एपिसोड बनाऊंगा एक एक इशू के लिए। एक इस कॉमिक के इवेंट सिविल वॉर कॉमिक के बाद हुए हैं, जहां कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं और आयरन मैन शील्ड का डायरेक्टर है, और अनरजिस्टर्ड सुपर हीरोज पर गवर्नमेंट ने रोक लगा रखा है। और इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एयरस्पेस डिफेंस कमांड आउटपोस्ट में दो ऑफिसर आपस में मजाक कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर को अपने स्क्रीन में दिखता है कि जो सैटेलाइट मून की चक्कर लगाता है उसमें कुछ हलचल हो रही है, और वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को बताती है कि मून पे कुछ है बहुत बड़ा। तभी हमें हल्क दिखाया जाता है मून में, और वही पे खड़े होते हैं ब्लैक बोल्ट और मेड्यूसा। और मेड्यूसा हल्क को बताती है कि तुम्हारा इनह्यूमन के लैंड पे आना जंग का ऐलान है, और तुम हमारे राजा यानी ब्लैक बोल्ट से पहले ही हार चुके हो। तभी मेड्यूसा हल्क को कहती है कि ब्लैक बोल्ट का मास्टर ब्लो तुम्हारी हड्डियों को चकनाचूर कर सकता है, और उसकी धीमी आवाज़ ही तुम्हें सूरज पे फेंक सकती है। तब हल्क ब्लैक बोल्ट से कहता है कि तुमने ही मुझे स्पेस में फेंका और मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। मेड्यूसा हल्क को वही रोकने को कहती है, पर हल्क अचानक ब्लैक बोल्ट को पकड़ लेता है। तब ब्लैक बोल्ट हल्क को धीरे से कहता है कि बहुत हुआ, और एक ज़बरदस्त फोर्स हल्क को पीछे फेंक देती है। हल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, और हल्क को दूर फेंक देते हैं। और इधर से ब्लैक बोल्ट मेड्यूसा के साथ पीछे मुड़ देता है और वापस एटलस की तरफ चलने लगते हैं। और तभी पीछे से आवाज़ आती है कि मैं यहाँ हल्क की आवाज़ सुनने नहीं आया। तभी जैसे ब्लैक बोल्ट पीछे देखता है तो एक बहुत पहाड़ जैसा बड़ा हल्क उस पर कूद पड़ता है, और तब वो ब्लैक बोल्ट से कहता है कि मैं तुम्हारी चीख सुनना चाहता हूँ। वो सिग्नल और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तब वो ऑफिसर अपने पार्टनर को बताती है कि मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी। तब वो ऑफिसर अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहता है कि मून पे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे शायद मून अपने ऑर्बिट से हट चुका है। तभी वो सिग्नल गायब हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि सारे न्यूज़ एंकर टोनी स्टार्क यानी शील्ड के हेड का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन टोनी अमेरिकन प्रेसिडेंट से फ़ोन पे पूछ रहा होता है कि किसी चीज़ ने हमारे सैटेलाइट को हिट किया, इसलिए तुम्हें मुझे छानबीन के लिए ऑर्डर देने होंगे। और तब प्रेसिडेंट उसे कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो न्यूयॉर्क पहुंच गया है। तभी हम देखते हैं एक बड़े से शिप को जो हल्क का होता है, और वो मैनहट्टन के बीच में एक हल्क का प्रोजेक्शन फॉर्म करता है। और तब हल्क सबसे कहता है कि कमज़ोर इंसानों में यह तबाही मचाने आया हूँ,
और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चीज़ का जिम्मेदार कौन है। तभी हर स्क्रीन पर डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है और हल्क कहता है कि तुम जिन्हें हीरो कहते हो मैं उन्हें विलेंस कहता हूँ। एक बार इनकी बात सुनो, जो कि इन्होंने मुझे मारने से पहले कहा था। और तब हमें रीड की बातें सुनाई देती है जो हल्क से कह रहा होता है कि हम तुम्हारे दोस्त थे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, पर हम सब की भलाई के लिए मैं तुम्हें दूर भेज रहा हूँ। हमारे साथ अब चैन से जीने का सिर्फ यही तरीका बाकी रहा है। और तब हल्क का प्रोजेक्शन सबसे कहता है कि इन्होंने मुझे एक प्लेनेट पे भेजा सा कार जो मॉन्स्टर से भरा हुआ था और उन सब ने मुझे मारने की कोशिश की, बार बार मारा, जलाया, फिर से मारा, फिर से जलाया, लेकिन मैंने उन सब मॉन्स्टरों को हरा कर उधर का किंग बन गया। और तब हल्क कहता है कि मैंने अपनी दुनिया बनाई उधर, मैंने उधर शादी की और मेरे दो बच्चे भी हुए, लेकिन फिर से तुम्हारे हीरो ने एक बॉम्ब भेज दिया और मेरी बीवी को मार दिया और उसके साथ साथ लाखों लोग भी मारे गए। तब हल्क अपने स्पेसशिप से बाहर निकलता है और कहता है कि अब ये सिटी तबाह होगी और तुम सब के साथ इस सिटी से निकलने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। और जब मैं आऊँ तो मेरे आंखों के सामने आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक होने चाहिए, और अगर वो मेरे सामने नहीं आए तो मैं ये करूँगा, तो वो ब्लैक बोल्ट को दिखा देता है जो बहुत ही बुरी हालत में होता है और ये बोलता है कि मैं इस पूरे प्लेनेट का यही हाल कर दूंगा। और ऐसा कह के हल्क उधर से निकल जाता है। तब हम देखते हैं आयरन मैन को जो मून मैनेज करने वाले ऑफिसर से कहता है कि मैं सैटेलाइट ठीक करने जा रहा हूँ, पर वो ऑफिसर मना करता है। और तब आयरन मैन कहता है कि मैं पूछ नहीं रहा हूँ। तब हमें पता चलता है कि हल्क के शिप से कोई वो सैटेलाइट को रोक रहा था और वो हल्क से कहता है कि आयरन मैन अब आ गया है और सैटेलाइट को ठीक कर रहा है, और लेकिन मैंने आयरन मैन को सैटेलाइट में लॉक कर दिया क्योंकि इंसान होते ही बेवकूफ़ है। और तभी उस स्पेसशिप से उस सैटेलाइट को हिट कर देते हैं आयरन मैन पे। तब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज कैस्ट्रल फॉर्म दिखाया जाता है जो आयरन मैन से कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे क्योंकि हम सब में से ज़्यादा पावरफुल ब्लैक बोल्ट ही था और उसको तो सबसे पहले ही बुरी तरह हरा दिया। तब आयरन मैन उसे कहता है कि ये तो फिर अच्छा मौका है कि तुम अपने मैजिक से उसे फिर से अर्थ से बैनिश कर दो, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हम ही उसे सॉल्व करेंगे। और डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन से कहता है कि तुम कुछ देर के लिए मेरे सुपर हीरोज जो अनरजिस्टर हैं उनको अरेस्ट मत करो, हम इस प्रॉब्लम से निपट लेंगे। आयरन मैन उसे कहता है कि अगर वो उसके बाद हमारे साथ हुए तो। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि हम इसके बाद बच पाएंगे। तब आयरन मैन को प्रेसिडेंट का कॉल आता है, पूछते हैं कि वहाँ का क्या हो रहा है, और आयरन मैन उसे कहता है कि हम मैनहट्टन को खाली कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे कहता है कि कोई भी नहीं हमारे हेल्प करने के लिए, लेकिन आयरन मैन उसे कहता है कि मैं एक बहुत ही पावरफुल करेक्टर पर कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ हो जाए। तब हम आयरन मैन और मिस्टर फैंटास्टिक को बॉब रेनॉल्ड्स यानी सेंट्री के घर देखते हैं और पूछता है कि क्या वो हल्क को रोकने में हमारी मदद करेगा, जिस पे सेंट्री बोलता है कि मुझे नहीं पता, जब मैंने आखिरी बार हल्क को रोका था तब वॉइड से लड़ रहा था, और अगले ही पल हमें पता चलता है कि मैं ही वॉइड हूँ। लेकिन आयरन मैन उसे कहता है कि अंत में तुमने द वॉइड को हरा दिया था, और सेंट्री से कहता है कि तुम सेंट्री हो इस यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ों में से एक, हमें तुम्हारी ज़रूरत है हल्क को रोकने के लिए। और इतना सुनते ही वो सेंट्री में बदल जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और मिस्टर फैंटास्टिक उधर से निकलने लगते हैं और सेंट्री आयरन मैन को अपने पास बुला लेता है। और दूसरी तरफ स्पाइडर मैन मैनहट्टन से सबको निकलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी कुछ लोग स्पाइडर मैन से बैग उठाकर कह रहे होते हैं कि ये वही है जो ये उनमें से एक है जिसने हल्क को स्पेस भेजने में और मरने में मदद की थी।
तभी एक बहुत ही ज़ोरदार आवाज़ आती है और उन सबको लगता है कि हल्क आ गया है, लेकिन जैसे ही सब पीछे देखते हैं तो शी हल्क उधर पे पहुंच जाती है और शी हल्क सबको कहती है कि मैं हल्क नहीं हूं, लेकिन वो मुझसे हज़ार गुना ज़्यादा पावरफुल है और तुम लोग सही में उनसे मिलना चाहोगे। और इतना सुनते ही वो लोग उधर से निकल जाते हैं और तब और मैनहट्टन से निकलने के जितने रास्ते पॉसिबल थे उन सब रास्तों से उस लोगों को निकाला जाता है। तभी एक ऑफिसर स्पाइडरमैन से पूछता है कि ये ब्लैक बोल्ट है कौन, तो स्पाइडरमैन उसे कहता है कि वो इस गैलेक्सी का दूसरा मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो था, लेकिन उस हल्क ने जब उसे हराया अब वो तीसरा हो चुका है। और तब हमें आसमान में एक लाइट दिखाई जाती है और स्पाइडरमैन उन सबसे कहता है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर वन आ चुका है। लेकिन तब सब देखते हैं कि वो सेंट्री नहीं आयरन मैन है हल्क बस्टर सूट में। और स्पाइडरमैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मैं सेंट्री को एक्सपेक्ट कर रहा था। जिस पे आयरन मैन कहता है कि वो यहाँ होगा जब सही टाइम होगा। स्पाइडर मैन का स्पाइडर सेंसेस बहुत ही तेज़ी से बचने लगता है और तब हम देखते हैं कि हल्क वहाँ पे पहुँच गया था। आयरन मैन स्पाइडर मैन से कहता है कि सारे सिविलियंस को पीछे कर दो। शी हल्क वंडर मैन और लूकेज को कहता है कि तुम बैटल के प्लेस को बनाए रखो, ये मेरी लड़ाई है। और ध्यान रहे, हल्क जितना गुस्सा होगा उतना ही पावरफुल होगा, और तब तक अटैक मत करना जब तक या डेर में ना हो जाऊँ या वो डेर ना हो जाए। तब हल्क अपनी शिप से बाहर निकलता है और निकलते ही हल्क आयरन मैन की तरफ और आयरन मैन हल्क की तरफ अटैक करने लगता है और तभी उनके दोनों के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर होती है और उस टक्कर से निकलती है एक शॉक वेव जो कि आसपास की सारी चीज़ों को हिला देती है और खिड़कियों को भी तोड़ देती है। वापस सारे न्यूज़ के हेलीकॉप्टर उस फाइट को रिकॉर्ड कर रहे थे और तब वो लोग एक ट्रांसमिशन को देखते हैं जो आयरन मैन का था कि हाँ मैं हूँ टोनी स्टार्क आयरन मैन और डायरेक्टर ऑफ शील्ड, हाँ मैंने ही हल्क को स्पेस में भेजा था और उसके वापस आने के लिए आप किसी को ज़िम्मेदार मानना चाहते हैं तो वो हूँ मैं। तब आयरन मैन हल्क को पकड़ के नीचे ला रहा होता है और सबसे बोल रहा होता है कि मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ करूँगा और सब कर रहा हूँ। किसी ने मुझसे कहा था कि महान ताकत के साथ महान जिम्मेदारियाँ भी आती है, जो कि सुनने में बहुत ही सिंपल लग रहा है, पर यह बात सिंपल नहीं है। तभी आयरन मैन हल्क को नीचे ज़मीन पर मार देता है और तब वो कहता है कि अपने आयरन मैन के आर्मर को पहनने के बाद मेरे अंदर आप सभी से ज़्यादा पावर होती है और मेरे दिल में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आज मैं अपना काम करूँगा। तभी आयरन मैन हल्क को एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है और आगे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा। तभी आयरन मैन हल्क को बिल्डिंग के अंदर दे मारता है। टीवी पे ये सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। लास वेगस में हल्क का पुराना दोस्त रिक जोन्स ये सब देख रहा होता है। आयरन मैन हल्क को ले जाकर दूर फेंक देता है और बोलता है और आयरन मैन हल्क को दूर फेंक देता है और आयरन मैन कहता है कि मैंने हल्क में ऐसे नैनोबोट्स डाले हैं जो हल्क के पावर्स को कम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये कब तक काम करेंगे और मुझे पता है कि मेरा दोस्त ब्रूस बैनर कहीं ना कहीं इस सब कुछ को इसी तरह चाहता है। तभी वहाँ कुछ प्लेन आते हैं और हल्क पे मिसाइल शूट कर देते हैं और हल्क अपनी वाइफ का नाम यानी कायरा बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसे अपनी वाइफ के साथ बिताए हुए वो पल याद आ रहे होते हैं कि वो कैसे खुश था जब तक एक शिप ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर दी और उससे उसकी वाइफ हमेशा के लिए दूर हो गई, हल्क से सब कुछ छीन लिया गया।
तभी मिसाइल से लगी हुई आग हटने के बाद हल्का एरनमैन की तरफ देखने लगता है और उसे कहता है कि तुमने ही सब कुछ छीना मुझसे और मेरी बीवी को भी मार दिया। और आयरन मैन ये देख के घबरा देता है क्योंकि अब बहुत ही बुरा होने हो। और अगले ही पल हल्क आयरन मैन पे एक बहुत ही ज़ोरदार अटैक कर देता है और हल्क आयरन मैन को एक बिल्डिंग में दे मारता है और उसे कंटिन्यूसली मारने लगता है। और बाहर के सारे सुपर हीरोज को सिर्फ बिल्डिंग तोड़ती ही नज़र आती है क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि अंदर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। हल्क बिना रुके उस हल्क बस्टर आर्मर को तहस नहस करने जा रहा था और जब ऐसा होता है तो उस बिल्डिंग का टॉप हिस्सा नीचे गिर जाता है और तभी सारे सुपर हीरोज वहाँ देखने जाते हैं कि कौन जीता। उन्हें वहाँ पड़े मलबे पे सिर्फ एक परछाई दिखती है और उस मलबे से सिर्फ एक ही आदमी निकल आता है और वो होता है जोर से गुर्राता हुआ हल्क। You say you love me, but I don't think that is